हेलो नमस्ते, मैं सीमा मां आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं पूजा पर वीडियो लाई हूँ। तो आज सरस्वती पूजा है कल, तो मैं जा रही हूँ अभी पूजा बाजार और वहाँ से लाऊंगी माँ की मूर्ति और ढेर सारी पूजा सामग्री। तो चलिए मेरे साथ पूजा बाजार, आइए चलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ पूजा बाजार और ये देखिए माँ की कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ बिक रही हैं और ये पूजा की सारी सामग्री है। तो यहाँ से मैंने माँ की मूर्ति और बाकी पूजा की सामग्री खरीद ली। अब मैं जाऊंगी घर। और पूजा बाजार में काफी भीड़ नहीं थी, हल्की फुल्की भीड़ थी, ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो आसानी से हम लोगों ने खरीदारी कर ली। तो सबसे जो पीछे मूर्ति है वो वाली मैंने सिलेक्ट की है अपने घर के लिए। और यहाँ मिट्टी की दिया खरीद रही हूँ क्योंकि माँ की आरती करनी होती है और भी काम आते हैं दिए के। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर और सामने मैंने रखी है माँ की मूर्ति। अभी उनका पट बंद है, उनका मुखड़ा जो है पेपर से लिपटा हुआ है, वो हटाऊंगी और पूजा की शुरुआत करूंगी। मैं ये पूजा काफी सालों से कर रही हूँ, करीब 2002 से मैं ये पूजा कर रही हूँ जो आज तक करती आ रही हूँ। तो ये माँ का पट खुल गया, अब पूजा की शुरुआत हो रही है। पूजा के द्वारा, मंत्र के द्वारा माँ में प्राण डाला जाता है और उसके बाद पूजा की शुरुआत होती है। वही सारी तैयारी हो रही है यहाँ पर, पहले शुद्ध हो रहे हैं हम लोग। जिस तरह से पंडित जी पूजा करने के लिए बता रहे हैं वो सब कर रहे हैं हम लोग। मैया दर्श दिखाने आना, मैया भोग लगाने आना, मैया पाप हमारे मिटाना, मैया दुष्कर्मों से बचाना, भूल न जाना सिरवाली, ओ भूल न जाना सिरवाली, बिन पतवार की कश्ती जैसा ये जीवन है हमारा, ओ ये जीवन है हमारा, देखे जहां हम मुड़ के देखे चारों तरफ अंधियारा, मैया राह बताने आना, मैया दीप जलाने आना, मैया हर उलझन सुलझाना, मैया नैया पार लगाना, भूल न जाना सिरवालिए, हो भूल न जाना सिरवालिए। तो माँ में प्राण डाला जा चुका है। उठ करके माँ को सारी सामग्री चढ़ाऊंगी, जो वस्त्र होते हैं, साड़ी, चुनरी, फूल माला और सिंगार का सामान, जैसे सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, अलता, मेहंदी, ऐना कंघी, इत्र, परफ्यूम, ये सारे चीज को मैंने माँ को चढ़ाया है, उसी का वीडियो है ये। तो अभी साड़ी चढ़ा दी हूँ माँ पर और ये फूल माला है। जिस तरह से पंडित जी बता रहे हैं वैसे वैसे कर रही हूँ। माँ को सिंदूर अर्पण किया है। और ये चुनरी चढ़ाया माँ को।
धूप दीप दिखलाना, सिंगार का सामान चढ़ाना, तो ये सारे जिस तरह से पंडित जी बताते जा रहे हैं मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ। तो ये माँ को जो पहला प्रसाद होता है फल का, वो खिलाई हूँ अभी, क्योंकि माँ में प्राण डाला जा चुका है तो अब जाहिर है उनको भूख लगी होगी। तो पहला प्रसाद मैंने फल का चढ़ाया था माँ को, फल में बेर, अंगूर, सेब, केला, गाजर, जो भी मिल सका मुझे मार्केट से मैं वो लेकर आई हूँ। ये माँ को मैं चूड़ी पहना रही हूँ, उनका एक हाथ ढका हुआ है लेकिन मैंने माँ के हाथों में चूड़ियाँ डाली थी पीले रंग की, और ये बिंदी है, काजल है, तो ये सारे सिंगार के सामान हैं जो माँ को अर्पण कर रही हूँ मैं। ये पीला सिंदूर है जो माँ के मांग में लगा रही हूँ। यहाँ माँ का वस्त्र कुछ इधर उधर हो गया था, उसको सही कर रही हूँ मैं, क्योंकि साड़ी है और नीचे धूप दीप जल रहे हैं तो डर लगता है, तो यहाँ सब कुछ संभाल कर माँ को पहना दिया और अच्छे से चुनरी उड़ा रही हूँ। छोटी सी प्यारी सी माँ काफी खूबसूरत लग रही थी। तैयार होने के बाद उनका जो मुखड़ा था मन को मोह लेने वाला लग रहा था। अब आरती शुरू हो गई हमारी, और ये दोपहर का खाना है। जैसे सुबह मैंने माँ को फल खिलाया तो फिर दोपहर में भूख लगी होगी, तो उसके लिए मैंने अपने हाथों से माँ के लिए प्रसाद तैयार किया था, खीर पूरी और चना, वही खिला रही हूँ माँ को यहाँ पर। जब माँ आती हैं तो तीन टाइम जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह माँ को भी खिलाना पड़ता है, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, फिर शाम का खाना, तो उसी तरह से माँ को भी खिलाना पड़ता है। तो ये दूसरे टाइम का खाना है जो मैं माँ को खिला रही हूँ खाना बना करके। तो यहाँ चना और खीर दोनों को पूरी में लगा लगा कर माँ को खाना खिला रही हूँ। जब माँ खाना खा लेंगी तो उनको पिलाऊंगी मैं गंगा जल और उनका चेहरा साफ कर दूंगी। जो खाने के दरमियान उनके चेहरे पर कुछ भी गंदगी लग गई होगी वो सब मैं एक कपड़े से साफ कर लूंगी। इस तरह माँ को खाना और पानी दोनों कर लूंगी। ये देखिए माँ का चेहरा पोंछ रही हूँ क्योंकि खाना खिलाने के बाद कुछ कुछ लग गया, और अब पिला रही हूँ मैं माँ को गंगा जल। तो ये दोपहर की पूजा है जो खाना पानी खिलाने के बाद माँ की खत्म हो गई, और शाम की आरती को हम लोगों ने खुद किया था, उसका वीडियो नहीं है हमारे पास, और ये दूसरे दिन का दिखला रही हूँ मैं आपको। इसमें दिखाऊंगी मैं हवन। दूसरे दिन हमारा हवन हुआ था, चूड़ा दही और गुड़ का प्रसाद माँ को भोग लगा था, उसके बाद हवन किया था हम लोगों ने, ये उसी का वीडियो है। एक 108 बार माला जापी जाती है और उस पर हवन किया जाता है। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे और हम लोग यहाँ हवन कर रहे थे। Thank you.
अब हवन हो चुका है। हवन होने का मतलब होता है पूजा की समाप्ति होना। तो अब माँ को विदाई देने का समय आ गया है। तो माँ का खोइंचा भर रही हूँ मैं यहाँ। तो उनको पहले सिंदूर लगाया, फिर उनके आंचल में चावल को रंग कर धूप घास डालकर और कुछ पैसे डालकर उनका आंचल भर रही हूँ। 5 बार इस तरह से करके डालूंगी माँ के आंचल में, क्योंकि माँ को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। इस तरह से उनका आंचल चावल से भरा जाता है और चावल को हल्दी से रंगा जाता है, वही कर रही हूँ। उसके बाद माँ का मुंह मीठा करूंगी। जब हम किसी को भेजते हैं कहीं, तो हम उनको खाना पानी खिलाकर भेजते हैं, उसी तरह माँ को यहाँ पेड़ा खिला रही हूँ। और अब पानी पिला रही हूँ। खाना खिला करके पानी पिलाया जाता है, वो कर रही हूँ मैं। फिर उनका चेहरा पोंछ लूंगी, जो भी गंदगी लग जाती है खाने पिलाने के दौरान, उस चेहरा साफ करके माँ को अच्छे से विदा करूंगी। इसमें जितनी स्त्रियां हो उतना अच्छा है। यहाँ पर हम दो ही थे तो हम दोनों ने ही किया। ऐसे 5, 7, 9, 11 रहने से अच्छा रहता है। सब लोग माँ का आंचल भरते हैं और माँ की आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं सरस्वती माता की, जिसका वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको काफी अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर। इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो बनाए हुए उसको अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, यही उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। तो इसके बाद माँ विदा हो गई थी। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। थैंक यू।